एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट कर रहा हूं रोड बुलेट बस, फर्स्ट बुलेट बस ऑफ पाकिस्तान पर रिएक्ट करेंगे। बुलेट बस के बारे में मुझे पता ही नहीं था भाई, मेरे सामने आज ही वीडियो आया है तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कि पाकिस्तान में बुलेट बस भी है। बुलेट ट्रेन तो हमने सुना है, बुलेट ट्रेन चाइनीज़ बुलेट ट्रेन इंडिया में भी होगी, पाकिस्तान में भी होगी, ऐसे बहुत सारी कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन बुलेट बस क्या है ये? स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को, बाकी बार बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, ये है बुलेट बस। चे मतलब CH। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फ्रॉम PK बसेस। कुछ दिन पहले मैंने एक बस रिव्यू किया था जो कि पाकिस्तान में एक न्यू डिज़ाइन की बस लॉन्च की गई थी। काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि उसकी वीडियो जो है वो सही नहीं बनाई, दोबारा बनाए, तो उसकी आज मैंने दोबारा से वीडियो बनाई है और दोबारा जो है उसका रिव्यू करूँगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें। मेट्रो की तरह लग रहा है वैसे इसका आगे का सिस्टम जो है, जो फेस है इसका। जी तो मैं बात कर रहा था एक ऐसी बस जो कि पाकिस्तान में डिज़ाइन की गई है और एक यूनिक बस है। आज की इस वीडियो में मैं इस बस के बारे में आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि इसका फेयर कितना है, इसका रूट क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है, सीट्स कितनी हैं इस बस के अंदर और ये पाकिस्तान में किस जगह पर बनाई गई है। साथ हमने ड्राइवर से भी कुछ गुफ्तगू की थी, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो चले शुरू करते हैं। बस देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, तो ये आप बस का फ्रंट देख रहे हैं, एक यूनिक डिज़ाइन है, बुलेट ट्रेन जैसा इसका फ्रंट है, बुलेट ट्रेन जैसा ये, और इसका नाम भी रखा गया है रोड बुलेट। इस बस को काजे बस की बॉडी में चेंजेस करके बनाया गया है। ये न्यू शानदार कंपनी की बस है जो कि कोयटा से कराची ही ज़्यादातर इसकी बसें चलती हैं। इनकी स्लीपर बसें भी हैं जो कि कोयटा से कराची के दरमियान चलती हैं। कोयटा से कराची रोड बुलेट शानदार। इसके रूट की बात करें तो इसका रूट है कोयटा से कराची और इसका फेयर है कोयटा से कराची का 2000 रुपये। इस बस की सबसे अहम बात यह है कि इसे SOPs को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है कि इसकी सीटें 1x1x1 हैं, यानी हर सीट के दरमियान में गैप मौजूद है। हमने ड्राइवर से जो गुफ्तगू की है, आए आपको वो सुनाते हैं। और ये कहाँ से कहाँ के लिए चलती है? कोयटा कराची के लिए। कोयटा कराची के लिए, ठीक है। और इसका किराया कितना है? इसका 2000। मतलब कंपनी कोयटा की है बेसिकली? जी हाँ, कोयटा की। कोयटा से कराची। कोयटा किस जगह से? सरयाम रोड से। ठीक है। और इसमें कितनी सीट्स हैं टोटल? इसमें टोटल 25 सीट है। 25 सीट ठीक है। 1x1 जी हाँ, ठीक है। चाहिए कि 2000 का किराया, गरीब लोग वैसे जहाज में जैसे 1300 इसमें है, जो मतलब सहूलत है खाना पीने का। सही है जी हाँ, अच्छा इसमें सीट है 1x1 की, लग्जरी टाइप की, लग्जरी ही है। अच्छा ये बीच में तीन सीटें डाली गई और ये कितने बजे कराची से चलती है? कोयटा से कितने बजे? कोयटा से शाम को 9 बजे और कराची से? कराची से भी 9 बजे। शाम को है या सुबह में? ये सुबह जो दिन का 11 बजे है, कोयटा से 11 बजे, कराची से 10 बजे। ठीक दिन को। ये आप इसकी सीट्स देख रहे हैं और इसमें काफ़ी स्पेस है इनके दरमियान, और सबसे अच्छी बात इस बस की ये है कि इसकी सीट के पीछे भी जो है एक मखसूस जगह बनी हुई है, यानी कि उससे पीछे आप सीट को नहीं कर सकते और पीछे वाली सवारी जो है वो तंग नहीं हो सकती। हमारे यहाँ एक तरफ 3 के बैठने की लंबी सीट, एक तरफ 2 के बैठने की, ऐसे भी होती हैं बस में। इसमें सीट कम लग रही है मुझे, बहुत कम है, 25 सीट।
50 के आसपास तो होती हैं नॉर्मल सी। इसको आप सेमी स्लीपर बस भी कह सकते हैं। ये आप इसका डैशबोर्ड देख रहे हैं, ये इसके मीटर्स लगे हुए हैं, स्पीडोमीटर वगैरह और सारे मीटर्स हैं, और ऑपरेट करने की जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप इसकी लाइटिंग्स देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, एलईडी लगी हुई है। फेयर एक दफ़ा फिर बताते चलूँ, इसका फेयर जो है वो है 2000 रुपये कोयटा से कराची का, और ये तकरीबन 10 घंटे में कोयटा से कराची पहुंचती है। ये एक सस्ती और लग्जरी बस है जिसमें हर किस्म की सहूलियात अवेलेबल हैं। अगर आप कोयटा से कराची का सफ़र करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है इस सफ़र के लिए। कोयटा कराची, कराची कोयटा, ये बताया दोबारा जाती हुई। आगे से तो बिल्कुल ऐसी लग रही है यार, जो ट्रेन होती है ना, मेट्रो बुलेट, मेट्रो बुलेट ट्रेन, मतलब एक विजुअली एक अच्छी चीज़ बनाई है बनाने वालों ने, ताकि लोग अट्रैक्टिव हों और एक बार तो सफ़र करने की कोशिश करें, है ना। क्या चलती हुई बुलेट, बुलेट की तरह होगी, बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड कर, वो भी दिखाते तो ज़्यादा मज़ा आता, पर हाई स्पीड नहीं रहती, अच्छी चलती है। इसके लिए रोड भी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो कोई पाकिस्तान की कंपनी है, पाकिस्तान मेड, मतलब पाकिस्तान में ही बनी हुई है, और ज़बरदस्त लग रही थी। बस मुझे यार थोड़ा सा ये लगा कि वहाँ पर सीटें बहुत कम होती हैं पाकिस्तान में, क्या इतनी सीटें होती हैं बस में? 50 के आसपास तो नॉर्मली हमारे यहाँ पर इंडिया में बस जो होती है उसमें 50 तो बैठ जाते हैं, बाकी खड़े भी हो जाते हैं रास्तों पर, खड़े हो जाते हैं, इतनी पब्लिक चलती है। और इस बस की बात करें तो ज़बरदस्त लग रही थी, मतलब देखने में अच्छी लग रही थी। बाहर से लुक जो दिया पूरे बुलेट ट्रेन की तरह दिया है कुछ कुछ, और काफ़ी हद तक उससे मैच करने की कोशिश की है। अंदर का भी देखा तो वो लग्जरी लग रही थी अंदर से भी, और खूबसूरती के साथ बनाई गई है, आरामदायक है और कंफर्टेबल के साथ साथ होने के सस्ती है। मतलब पाकिस्तान के हिसाब से 10 घंटे का सफ़र कोयटा टू कराची, 10 घंटे का सफ़र यानी कि काफ़ी लंबा होगा, उसमें 2,500 रुपये शायद 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि इंडिया के सस्ते हो, इंडिया के हिसाब से सस्ता हुआ। क्या कहते हैं इसके बारे में, कभी आपने सफ़र किया हो किसी ने तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कितनी स्पीड से चलती है, कैसे चलती है, और अच्छी है या नहीं है? देखने में तो अच्छी लग रही है। कोई यूनिक अलग सी चीज़ें अगर देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।